हिंदुओं की वकालत करने वाले तुझको देखते हैं कि तुझे तेरा मोदी, अमित शाह, योगी बाबा, खट्टर, अनिल विज हमसे कैसे बचाते हैं। तुझे और तेरे परिवार को जल्द ही किसी भी तरह तेरा खात्मा करना जरूरी है। तू अकेला मेवात में हिंदुओं की तरफ से हिमायत कर रहा है, टीवी, अखबार और कहां कहां जाकर बहुत बयानबाजी कर रहा है। जैसे हमने उन हिंदू, बीजेपी, आरएसएस, बजरंगियों को मारा है, उससे भी बुरा तेरा हाल करेंगे। इस धमकी भरे खत को पढ़कर और सुनकर आप समझ सकते हैं कि इसे लिखने वाले के मन, मस्तिष्क और दिमाग में कितना नफरत भरा होगा। ये धमकी भरा खत किसी और को नहीं बल्कि हरियाणा के हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता औरंगजेब को मिला है। कुछ अज्ञात लोगों ने धमकी और अभद्र भाषा से लैस इस खत को घर के अंदर फेंका, जिसमें बीजेपी नेता औरंगजेब और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे खत के मिलने के बाद से पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। इस खत के मिलने के बाद बीजेपी नेता औरंगजेब की शिकायत पर बिछोर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस धमकी भरे खत के मिलने के बाद बीजेपी नेता औरंगजेब ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। उसमें भी किसी ने कोई बात कह दी होगी, तो बात तो जब दोनों पक्ष की लड़ाई हमेशा दोनों तरफ से होती है, बात तो जब दोनों तरफ से छिड़ी गई जंग। अब यहाँ का एक विधायक है मामन खान, जिसने सारा आम उसने विधानसभा में ये कहा था कि चैलेंज देके कि जो है अगर इस बार अगर कभी भी मेवात में आया तो हम तुम्हारी प्याज से फोड़ देंगे। तो वहां उनकी तो प्याज फोड़ी ना, पर वहां मेवाती इनकी प्याज जरूर फोड़वा दी है। और सिर्फ उन्होंने जानबूझ के ऐसे डायलॉग मारे हैं कि मेवात की एक परंपरा है, इनके सामने कोई ऐसे डायलॉग मार दो, अकबर इसने किसी बहुत बड़े अधिकारी को धमका दिया, किसी के लिए उलट बोल दिया, तो उससे वो खुश हो जाते हैं। तो ये बिना मतलब की शोहरत हासिल करने के नतीजे हैं। तो अब जब यहाँ इतने आगजनी हुई, इतने लोग मरे हैं, अब वो लोग अगर मान ले जब वो हिंदू भाई हमारी सरजमी मेवात की पाए है शोभा यात्रा निकालने के लिए, तो सही मायने में देख वो हमारे यहाँ मेहमान है और हमें उनके इस्तकबाल करना चाहिए। तो इस्तकबाल नहीं करना करते तो उनके उनके हमने साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। तो इस्तकबाल तो जहाँ था इन लोगों ने, तो उनके ऊपर घोड़े चलाए, पत्थर चलाए, मारे, कूटे और भगा भगा के मारे, उनकी वो जलालत करी कि जो जाकी कोई मतलब जितनी बताए तो उतना ही कम है। तो अब ये लोग भी कोई बिट्टू बजरंगी, कोई मोनू मानेसर का नाम ले हुए हैं, तो ये थोड़ी है कि दो आदमी इनकी वजह से पूरे हजार लोगों के ऊपर हमला कर दो, जबकि बिट्टू मानेसर मोनू मानेसर तो यहाँ आया ही नहीं था भाई। उसने ये कहा था कि भाई आओ साथ ही चलो, हम मन वहाँ यात्रा में चलेंगे, हम भी हिस्सा लेंगे, तो अपनी यात्रा में जाना या अपने मंदिरों में जाना तो कोई बुरी बात ना, कोई जा सकता है। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के मेयो लीडरों ने यहाँ का भाईचारा खत्म किया है, इन लोगों ने आग लगवाई है और ये यहाँ के मुख्य रूप से मैं समझता हूँ आरोपी हैं। और ये सोचते हैं कि इनके दिमाग में ये घमंड है कि हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, औरंगजेब नाम ये साजी, मैं सच बोलने में हिचकूंगा नहीं और सच कहना मेरा फर्ज है, बीजेपी में मैंने जन्म लिया है, मुझे आज 30 साल हो गए, मेरा कफन भी मरने के बाद बीजेपी के कमल का फूल कहीं रहेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं अपना पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, अपनी पार्टी के ऊपर मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, और ना मुझे ये लोग, ना किसी पार्टी के वफादार हैं, ना ये अपने मजहब के वफादार हैं, ना ये अपने कौम के वफादार हैं। ये शाम को तो पता चलेगा कि फलाना लीडर आज इनोलो में है, दूसरे दिन पता लगेगा ये कांग्रेस में है, तीसरे दिन पता लगेगा ये तो अब उसमें बजर, तो इनका कोई अपना कोई मुक्त नहीं है। धमकी भरा पत्र मिला है मुझे, तो धमकी भरे पत्रों की आदत पड़ रही है मुझे, तो हजारों थ्रेड पहले मिल चुकी है, लेकिन ये माहौल ऐसा, बच्चे थोड़े से वैसे होते हैं कि भाई कहीं कुछ हो, ऐसा कुछ ना है, बाकी धमकी भरा खत मिला तो हमारी नसीब में अगर ऐसा लिखा होगा तो हम उसकी भी परवाह ना है, बाकी मैंने अपना आला अधिकारी अपने मैंने FIR दर्ज करा दी और मेरे आला अधिकारी मेरी पार्टी के उनको मैंने उनके संज्ञान में बात ला दी है, बाकी जो कुदरत चाहे वो होगा, उसकी मुझे कोई परवाह ना है। इसलिए मिला कि आपने पूरी कौम के खिलाफ एकदम क्यों बोला है, आप मौन माने सर
बजरंगी और ये शोभा यात्रा वालों के हक में आपने जो बयान दिए हैं, ये आप तो एक आरएसएस और बीजेपी के दल्ला हो और आप तो जो है कौम के गद्दार हो, और आपको मारना इसलिए जरूरी है कि आपको मारने से तो हमें जन्नत मिल जाएगी, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी से पहले तो आपका खात्मा जरूरी है, इस तरीके के नाम सुना पर कुछ गाड़ियां भद्र शब्द लिखे पड़े, तो उसकी मुझे कोई, मैंने अपने एसपी साहब को भी वो कंप्लेंट दे दी है, थानेदार ने हमारी एफआईआर दर्ज के लिए बाकायदा पुलिस था हमारा सच यहाँ मौके मायने करके तब बाद में उसने मुकदमा दर्ज किया है, और बाकी कोई बात ना आगे जैसे तो चल रहा है कि भाई आपको दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे कितना ही दबाया, कितना ही दबाने की कोशिश करे, औरंगजेब दबने वाला नहीं है। मैंने कह दी जब मैं बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए लाल चौक श्रीनगर गोलियों के बीच में मैं वहां जा सकता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए हम तिरंगा झंडा फहराना हम श्रीनगर लाल चौक गए, तो यहाँ तो मुझे कोई 1% भी कोई वो नहीं है, और फिर जो जैसा लिखा है देखा जाएगा उसमें कोई परवाह थोड़ी है, ये तो सब चलता रहता है, और हम अपनी पार्टी के लिए आगे भी जान देने को तैयार आगे भी, और ये मैं मेयों से आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज देना चाहता हूँ, केंद्र रच ले कितना ही कोई प्लानिंग कर ले, किसी कीमत पर हमारी सरकार जाने वाली नहीं है, हमारी सरकार आपके तिबारा हमारी सरकार बनेगी, हैट्रिक हमारी सरकार करेगी, कोई हमको सरकार बनाने से रोक नहीं सकता, हाँ हरियाणा में भी और पूरे देश के अंदर भी। बता दे 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा को लेकर औरंगजेब ने विपक्षी पार्टी के नेता मामन खान सहित कई लोगों पर इस हिंसा को जन्म देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मामन खान ने विधानसभा में जो बयानबाजी किया था वो न केवल भड़काऊ है बल्कि निंदनीय है, ऐसे नेता ऐसी ओछी बयानबाजी के जरिए अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। इस बयान के बाद से उन्हें टारगेट किया जाने लगा और अब उनके घर पर धमकी भरा पत्र मिला है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस धमकी भरे पत्र को फेंकने वाले को पुलिस कब तक अपने कब्जे में लेती है। नू से संजय राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।